नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम। मुंबई ट्रैफिक विभाग के डीसीपी राजू तिलक से हमने बात की कि बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन के लिए महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में अम्बेडकरी जनता यहां आ रही है और बड़ी संख्या में सभी जगहों से गाड़ियां भी यहां मुंबई के दादर इलाके में पहुंच रही हैं। उसी को लेकर किस तरह की तैयारियां मुंबई ट्रैफिक विभाग ने कर रखी हैं जिसके सामान्य मुंबई करों को और भाविकों को दिक्कत ना हो, तो उन्होंने जानकारी दी कि दादर इलाके और इर्द गिर्द तकरीबन 300 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और क्या इंतजाम किए गए हैं आप खुद ही देखिए डीसीपी राज तिलक ने क्या कुछ कहा है। इस समय हम मुंबई के दादर इलाके में हैं, चैत्य भूमि में, जहां पे के बड़ी संख्या में महाराष्ट्र ही नहीं देश भर से श्रद्धालु जो है नतमस्तक होने के लिए परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर के दर्शन के लिए यहाँ आए हैं और मेरे साथ में इस समय डीसीपी सर हैं। सर, किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए या पार्किंग के लिए, किस तरीके के इंतज़ाम किए गए हैं? मैं डीसीपी ट्रैफिक हूँ जी, तो मैं ट्रैफिक का देख रहा हूँ। तो बेसिकली ट्रैफिक में हमने अराउंड 350 लोग हैं जो लगाए हैं, स्पेशली दादर माटुंगा ये एरिया में। साथ ही में पार्किंग के लिए हमने अलग से प्लानिंग की थी, जो हमने नोटिफिकेशन में पहले दिया था और कहाँ कहाँ पे कैसे कर सकते हैं। साथ ही में कुछ वन वे रोड्स, डाइवर्जन, ये सब हमने प्लानिंग की थी जी। और अभी जैसे जंक्शन पर आप देख रहे हैं कि पेडेस्ट्रियन और व्हीकल्स दोनों कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं, तो जो कोऑर्डिनेशन है ट्रैफिक ब्रांच प्लस पुलिस स्टेशन सबके बंदोबस्त हैं यहाँ पर और बहुत ही हैवी बंदोबस्त है हर जगह, सब जगह लगाया गया है। साथ ही में वॉलंटियर्स भी हैं काफ़ी सारे, तो जितना फुटफॉल होता है उसके हिसाब से मुंबई की जो कैपेसिटी है सडनली बहुत लोग आते हैं, तो डेफिनेटली जो नॉर्मल ट्रैफिक के हिसाब से वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है और उसको मैनेज करना दैट इज़ अ ह्यूज टास्क। तो जिसके लिए हम काफ़ी दिनों से प्लानिंग करते हैं जिससे कि किसी को तकलीफ नहीं हो, ट्रैफिक नॉर्मल रहे, बट स्टिल वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, तो इसलिए उस दिन ऑलमोस्ट 24 घंटे दो दिन 48 घंटे हमें कॉन्स्टेंटली वो लुकआउट पे रहना पड़ता है कहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं और अकॉर्डिंगली वहाँ पे सॉल्यूशंस देखने पड़ते हैं। राज तिलक जी, अगर मैं जिस तरीके से कहूँ कि लाखों की संख्या में जन सैलाब एक जगह एक स्थान पर उमड़ता है तो ट्रैफिक एक बड़ी चुनौती बन जाती है, जो सामान्यतः स्थानीय निवासी हैं उनको आने जाने में या सामान्यतः सरकारी गाड़ियाँ हैं उसको आने जाने में। तो सर, किस तरीके के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि लोगों को भी दिक्कत ना हो और श्रद्धालुओं को भी दिक्कत ना हो? जैसा मैंने बताया, जैसे यहाँ कई सारे रोड्स बंद हुए हैं, तो बेसिकली जो रोड बंद वगैरह हुए उनका इन्फॉर्मेशन वगैरह हमने पहले से दिया है जी, और नोटिफिकेशंस वगैरह पहले से किए हैं जी, और अकॉर्डिंगली हमने प्लानिंग की है, बंदोबस्त लगाया है और अभी भी कॉन्स्टेंटली उसका वर्कआउट चल रहा है। धन्यवाद सर। ये थे राज तिलक जी जो कि ट्रैफिक के डीसीपी हैं, और जिस तरीके से मैंने कहा कि बहुत बड़ा अहम रोल होता है ट्रैफिक डिपार्टमेंट का, जो कि गाड़ियों की आवागमन उसे भी ध्यान में रखते हुए प्लस जो है हज़ारों लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन के लिए आ रहे हैं उन्हें भी दिक्कत ना हो, वो भी आराम से जो है अपने स्थान तक पहुंच सके और गाड़ियां भी अपने स्थान तक आराम से पहुंच सके, इन दोनों चीज़ों का इंतजाम करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण होता है। उस जिस तरीके से राज तिलक जी ने डीसीपी सर ने कहा कि बड़ी संख्या में जो है ट्रैफिक विभाग के पुलिस अधिकारी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, जिसके चलते के सामान्यतः आप देख सकते हो, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि कैमरा ज़रा पैन करें पीछे की तरफ, ये सिग्नल इलाका है, ये चारों तरफ से जंक्शन है और गाड़ियाँ आ जा रही है। देखिए पब्लिक को भी क्रॉस करने का इंतज़ाम किया गया है और गाड़ियों को भी स्थिर तरीके से आने जाने का इंतज़ाम किया है ताकि ट्रैफिक की भी समस्या ना हो और जो है सामान्यतः नागरिक जो है जो श्रद्धालु हैं परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के दर्शन के लिए जो आए हैं उन्हें भी किसी किस्म की दिक्कत ना हो। कैमरामैन साठवीलकर के साथ सैशेख की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई।